गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. बेटा ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी, फोकस ऑन द बोर्ड. मान लो हमारे पास एक लाइन तो ये है, दिस लाइन इज ए बी. देर इज वन अनदर लाइन, दिस लाइन इज सी डी. अगर ये दोनों लाइन हमें इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल. एंड यू हैव टू लर्न, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा. पहली चीज क्लियर है सभी को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. फर्स्ट थिंग इज दिस, क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड चीज बड़ी आसान है, वो क्वेश्चन बेटा क्या करता है, आपको ये वाला एंगल दे देगा और ये पूछ लेगा. तो बेटा आपको ये ध्यान देना है, इन दिस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 180. अगर ये 30 डिग्री गिवन है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 150, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है सभी को ये चीज़? हाँ जी, ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, these two concepts you have to learn, straight line and vertically opposite angles, then all the question will be done. Okay, now focus on the questions. मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, फोकस. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एल वन एंड दिस इज एल टू. दिस पॉइंट इज ओ. हमको गिवन है ये ए है, हमको गिवन है ये बी है, हमको गिवन है ये सी है, और हमको गिवन है ये डी है. हमने एंगल दिया हुआ 35 डिग्री. हमसे पूछा बी सी डी तीनों की वैल्यू बताओ. तो सभी ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. एंगल कितना गिवन है, 35. जितना ए होगा उतना सी होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ए और सी इक्वल होगा. फोकस नाउ, ये स्ट्रेट लाइन है, ए प्लस बी 180. एंगल ए प्लस एंगल बी हाउ मच, 180. एंगल ए कितना है, 35 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180. एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस 35. फटाफट माइनस करो, बताओ क्या आंसर आएगा. डू माइनस, वन एट्टी माइनस 35 हाउ मच. वेरी गुड, द आंसर इज 145. द आंसर इज 145. हमने रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखना जरूरी है. लीनियर पेयर इन द सेम वे, जितना एंगल बी होगा उतना एंगल डी होगा. That is 145. Reason will be vertically opposite angles. बताएं सभी, क्लियर है? Easy question. Concept easy, question easy. Clear है सभी को? Okay, better now focus on the next question. Very easy. आप करोगे अपने आप, ठीक है? बिल्कुल easy है, ध्यान दो. This is a straight line, AB. There is another straight line. This is C and this is F. There is another line. This is E and this is D. हमको given है ये वाला angle 5y, ये वाला angle भी 5y, ये वाला angle हमको given है 2y. हमारा question क्या है, find the value of y. हमको y की value बतानी है. सभी बच्चे ट्राई करेंगे, टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई. वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई क्वेश्चन 2. डोंट चीट, डोंट लुक इनटू द बुक. कोई एग्जांपल चेक नहीं करेगा, डू बाय योरसेल्फ. वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन डू, कर सकते हो.
थोड़ा सा दिमाग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, काम खत्म। क्वेश्चन टू हुआ किसी का? क्वेश्चन टू एनीबडी डन? ओके, सचिन का मैसेज आ रहा है, चहक, विराट, ओके बाकी बेटा, बाकी सभी। देखो बेटा बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो बेटा, ये कितना है 5y, तो 5y के सामने क्या होगा? 5y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है? नाउ फोकस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल प्लस ये प्लस ये, 5y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 5 × 5 = 10, 10 × 2 = 12, 12y इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू 180/12, वैल्यू डिवाइड यू विल गेट 15। बताओ इजी है? टू कंसेप्ट्स, पहला कंसेप्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दूसरा कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था लीनियर पेयर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इजी, ट्राई करो। मैम लाइन से नंगा एंगल चैप्टर है ना, जो वो स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट कर लो, रिवीजन होती है ना, तो कर लिया ना, मतलब फिर को भी मैं कर लिया, अभी अभी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर भी रिवाइज करो ना बैठ के, क्या हो गया? हाँ जी बेटा, डन सभी का, क्वेश्चन थर्ड ट्राई किया। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, यस एक्सीलेंट, वेरी गुड, ट्राई करो सभी। एंगल ए कितना गिवन है हमको? 50, ओके। एंगल बी कितना गिवन है हमको? 90। फोकस नाउ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी तीनों का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 90, एंगल सी पता नहीं 180, एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 140 यू गेट 40, एंगल सी कितना आ गया? 40। अब 40 के सामने 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 90 के सामने 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 50 के सामने 50, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड क्लियर सभी को? क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा फिगर गिवन है, हमको बताना है ए बी सी की वैल्यू। देखो बेटा बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, क्लियर है? जितना ये एंगल है पी, मैं अगर समझ बोलूं इसको ओ, पी ओ आर जितना है उतना कौन होगा? क्यू ओ एस, और ये कितना है? 4b, तो सामने वाला कितना होगा? 4b। बताओ सभी, पहला पॉइंट क्लियर है? कैसे बच्चों को पहला पॉइंट क्लियर है? जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 4b, इतना क्लियर है? क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आसान है, इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। आप चेक करो सभी, ध्यान दो, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा? 180, जितने भी एंगल्स आएंगे बीच में सभी का सम हाउ मच? 180। ध्यान दो, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होगी दैट मीन्स 75 डिग्री प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 180। मैं इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं,
तो मैंने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया किससे, 4b से। मुझे पता है ए की वैल्यू किसके बराबर है, 4b। तो मैंने क्या किया, जहां पे मेरा ए था वहां मैंने रख दिया 4b। क्लियर है? अब मेरे इक्वेशन के अंदर ओनली बी है, मैं सोल्व कर सकता हूं, 4 और 1 5b, 180 में से क्या जाएगा 75, कितना बचेगा 105। बी की वैल्यू 105/5 कितनी मिलेगी हमको, 21। क्लियर है? बी की वैल्यू आ गई, यहां डाल दो। ए की वैल्यू 4b, बी की वैल्यू 21, कितनी आ गई ए की वैल्यू, 84। क्लियर है? बताओ सभी। हाँ जी, क्लियर सभी को? हाँ जी बेटा। बेटा देर आर मैनी स्ट्रेट लाइन्स, लेकिन बेटा हमको क्वेश्चन वहां से बनाना है जहां से हमारे वेरिएबल कम हो। अगर हम वेरिएबल में पजल हो जाएंगे, इक्वेशन तो बना देंगे बी में, सी में, ए में, बी में, लेकिन उनको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है? अगर इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। नाउ फोकस, दूसरी चीज हमें अब निकालना है सी। सी कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये स्ट्रेट लाइन है आर और एस। आर एस क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या करेंगे, ए प्लस 2c कितना हो जाएगा, 180। ए की वैल्यू हाउ मच, 84 प्लस 2c इक्वल्स टू 180। फटाफट माइनस करो, बताओ कितना आएगा, 180 माइनस 84 हाउ मच, बताओ फटाफट, 180 माइनस 84 हाउ मच। वेरी गुड, द आंसर इज 96। वेरी गुड, द आंसर इज 96। 2 का है मल्टीप्लाई में, 2 का जाएगा डिवाइड में, द आंसर इज 48 डिग्री। तो हमने निकाल दिया ए बी और सी। देर आर मैनी मेथड्स, इसके अलावा और भी पेयर बन सकते थे, और भी इक्वेशन बन सकती थी, आपकी मर्जी है, निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है? ओके बेटा, देर आर मैनी मेथड्स बाय विच यू कैन ट्राई। देखो बेटा, बच्चे का मैसेज आ रहा है, दोबारा रिपीट कर दो, बिल्कुल ईजी है बेटा, ध्यान दो। देखो डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, रफली डायग्राम ऐसे था, एक लाइन ऐसे थी, हमको ये गिवन था 4b, तो बेटा जितना ये होगा उतना ये होगा, हमको ये भी गिवन है बी, हमको ये गिवन है 75, ये हो गया 4b। इस कंप्लीट का सम कितना होता है, 180, हमने सभी को ऐड कर दिया इक्वल्स टू 180। वहां से हमने बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? फिर हमने क्या करा, बी की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, ये था ए की वन, ए की वैल्यू 4b, बी की वैल्यू आई थी 21, 21 फोरजा 84, इसकी वैल्यू आ गई 84। अब ध्यान दो, ये कंप्लीट एंगल 180 का है ये वाला, इसके अंदर एक तो ए आ रहा है और एक सी का डबल आ रहा है, दिस इज 2c एंड दिस इज व्हाट ए, तो ए प्लस 2c हाउ मच, 180। ए की वैल्यू 84, उसे जाके माइनस, माइनस कर दिया 96, दो मल्टीप्लाई में है, दो डिवाइड में आ गया, आंसर इज 48। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? हाँ जी बेटा, फोकस, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा क्या गिवन है हमको, कि दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओपी, साथ में एक चीज और गिवन है, ओपी एंड ओक्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ बी ओ डी। एक सेकंड बेटा वेट करना, बी ओ सी होगा शायद, एक सेकंड, एक मिनट बेटा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। ओपी क्या है बेटा, बाइसेक्टर है बी ओ डी का, चेक करो बेटा एंगल बी ओ डी का है, चेक करो बी ओ डी इस एंगल का एक बाइसेक्टर है जो इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज ओ पी।
ओपी क्या है, बाइसेक्टर, किसका, बीओडी का, बना दिया। इन द सेम वे ओक्यू किसका है, एओसी का, चेक करो एओसी का है, चेक करो वेर इज एओसी, दिस पॉइंट इज ए, ओक्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एओसी, एओसी का जो बाइसेक्टर है दिस इज व्हाट, ओ क्यू, बताओ सभी डायग्राम क्लियर है, ओपी है बाइसेक्टर बीओडी का और ओ क्यू है बाइसेक्टर एओसी का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है ओ क्यू एंड ओपी लाइन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है, अगर हम ये प्रूव कर दें ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 का, डेट मींस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बताओ सभी ये चीज क्लियर है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कंप्लीट एंगल 180 का है डेट मींस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दो सभी, मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज व्हाट 3, दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज व्हाट 6, हमने 6 एंगल बना दिए, बताना सभी क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बताओ क्लियर है, क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैन आई राइट, ओके। दूसरी बात सभी सुनो ध्यान से, ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को आधा आधा बांट रही है, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, रीजन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन क्या रहेगा, बाइसेक्टर है, आधा आधा कर रहे हैं, क्लियर है, जितना 2 होगा उतना 3 होगा, रीजन बाइसेक्टर, क्लियर। स्टेप वाइज स्लो आराम से, वेरी गुड। आगे सुनो, जितना एंगल 6 होगा उतना एंगल 5 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, इस कंप्लीट एंगल को आधा आधा कर रही है, इसका मतलब जितना 6 होगा उतना ही 5 होगा, बाइसेक्टर। ये बताओ सभी, क्या सभी को ये 3 पॉइंट क्लियर है, पहला चीज वर्टिकली अपोजिट, दूसरा बाइसेक्टर, क्या आप सभी को एक चीज पता है, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, क्या आप सभी को पता है ये चीज, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, पता है आप सभी को। अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है, 360, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, पता है सभी को ये बात। आप सभी सुनो ध्यान से, एक छोटी सी चीज हमें जरूरत है सिर्फ 1 की 2 की और 6 की, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ऊपर वाले एंगल को 180, तो आप क्या करो जहां 4 है ना वहां तो क्या रख दो 1, क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां 4 है वहां 1 रख दो, जहां 3 है वहां 2 रख दो, और जहां 5 है वहां 6 रख दो, बताओ सभी को ये चीज क्लियर है, जहां 4 है वहां 1, जहां 3 है वहां 2, जहां 5 है वहां 6, बताओ क्लियर है ये चीज, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 2 और 6, क्लियर है, हमें रिक्वायरमेंट है 1 2 और 6, ध्यान दो सभी बोर्ड पे, मैंने क्या किया, 1 था वहां तो 1 रखा, जहां 4 था वहां मैंने रख दिया 1, इन द सेम वे जहां 2 था वहां 2, जहां 3 था वहां भी 2 रख दिया, नेक्स्ट 6 की जगह पे 6, जहां 5 था वहां मैंने रख दिया 6, इक्वल्स टू 360, आप ध्यान दो 1 2 और 6 सभी कितने बार हो गए, 2 बार, 1 2 और 6 इक्वल्स टू 360, 2 गए मल्टीप्लाई में,
टू आ जाएगा डिवाइड में, 360 बाई टू, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, हाउ मच, 180। और मुझे यही तो प्रूव करना था, मुझे यही प्रूव करना था, 1 प्लस 2 प्लस 6 हाउ मच, 180 डिग्री। दैट्स व्हाई वी कैन से OP एंड OQ लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? हां जी, क्लियर सभी को? That's why I can say these all point lie in a straight line, OQ and OP. These both lie in a straight line. Clear है? We will take one more class today in which we will discuss exercise questions. Okay? So please attend the class. Don't miss the class. Okay? Now you can say bye and leave the meeting. Thank you. We will take another class at around 9 के आसपास, ठीक है? Around 9. Till then, take care. Bye. Bye, beta. Bye.